हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो इस वीडियो में हम जो कंटेंट डिस्कस करने वाले हैं वो सबसे पहले है कि एक्टिविटीज क्यों इम्पोर्टेंट है प्ले स्कूल में, मीन्स बिना एक्टिविटीज के क्या हम प्ले स्कूल एक रन नहीं कर सकते। सेकेंड है, एक्टिविटीज कौन कौन सी होती है प्ले स्कूल में, कौन कौन से एक्टिविटीज हम सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो एक पीडीएफ के जरिए मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप इन पीडीएफ में जो होगा वो सारी एक्टिविटीज लिस्ट होंगी, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। थर्ड है कि क्या हमें एक्टिविटीज मंथली करानी चाहिए, 2 मंथ्स, क्वार्टरली, 3 मंथ्स या फिर डेली बेसिस पे करानी चाहिए, और क्या हमें डेली बेसिस पे कराएं तो हमें कैसे मेंटेन करना है अपने टाइम टेबल को, अपने स्केड्यूल को, जैसे हम ये डेली भी करा सकें। और फोर्थ है कि इन एक्टिविटीज को हमें कैसे सेलिब्रेट करना चाहिए, मीन्स वैसे तो मैं पीडीएफ के जरिए आपको बताऊंगी जब शो करूंगी, तो को सेलिब्रेट करने के कौन कौन से वेज होते हैं, मीन्स हाउ टू सेलिब्रेट, कौन कौन से हमें लाइक क्राफ्ट करवाने हैं, कैसे हम स्कूल में सेलिब्रेट कराएं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि क्या हमें एक्टिविटीज अलग से रूम लेके करनी चाहिए, या फिर हमें कहाँ पे ये एक्टिविटीज सेलिब्रेट करनी चाहिए, जब हम डेली बेसिस पे कराएंगे या फिर मंथली लेवल पे कराएंगे तो कैसे हमें ये एक्टिविटी सेलिब्रेट करनी चाहिए, क्या एक्टिविटीज कराने से हमारे एडमिशन ग्रोथ पर भी फर्क आता है, और क्या फर्क आता है, मीन्स पेरेंट्स का इस एक्टिविटीज पे क्या इम्पैक्ट रहता है, क्या वो सोचते हैं, या फिर वो ये तो नहीं सोचते कि ये एक्टिविटीज कराना टोटली टाइम वेस्ट है, सिंपली उन्हें स्टडीज ही करानी चाहिए स्कूल को। क्योंकि हमें एज अ ऑनर जानना बहुत जरूरी है कि पेरेंट्स इसमें क्या कहते हैं, उनका माइंडसेट क्या कहता है। तो एज एक्सपीरियंस्ड, और मैं काफी लोगों का स्कूल खुलवा चुकी हूँ और उन लोगों से ही बात कर चुकी हूँ और इसका एक रिजल्ट और फीडबैक भी ले चुकी हूँ, तो मैं आपको बिल्कुल श्योरिटी से कह सकती हूँ कि पेरेंट्स इस पर क्या सोचते हैं। गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है और बिल्कुल मिस मत करना, स्किप मत करना, क्योंकि अगर कोई पॉइंट मिस हो गया तो आप अपने ग्रोथ कहीं ना कहीं स्कूल की रोक सकते हैं। तो डिटेल डिस्कशन होगा इस वीडियो में कि क्या क्या कैसे आपको काम करना है। आप ये देखेंगे, इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी, नाम में ही है कि एक्स्ट्रा। देखिए, करिकुलम वो होता है लाइक आपके जो रिटर्न सिलेबस होता है, रिटर्न से जुड़े हुए जैसे अल्फाबेट्स, पोएम, ये तो आपके कोर्सेज के हो गए। कुछ होती है एक्स्ट्रा एक्टिविटी जो आपको करवानी चाहिए। तो कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं और ये कैसे डिफरेंट होती है करिकुलम से? देखिए, इसमें जो होता है फन लर्निंग एक्टिविटीज होती है, डांस, जुम्बा, माइक कॉम्पिटिशन, आर्ट एंड क्राफ्ट्स। तो पेरेंट्स एक्सपेक्ट करता है, जो मैंने हाउ टू टेक द क्वेरीज में आपको बताया था कि पेरेंट्स आर वॉन्टिंग कि उन्हें इस तरह की एक्टिविटीज वाला स्कूल मिले जिसमें ओरल भी होता हो, स्पीकिंग भी होता हो, माइक कॉम्पिटिशन होते हो, बच्चे को स्पीकिंग स्किल्स में एनहेंस किया जाता हो, थिंकिंग पावर में किया जाता हो। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने स्कूल में इस तरह की एक्टिविटीज जरूर रखिए, इससे एडमिशन ग्रोथ बहुत ही अच्छा आपके स्कूल में होता है। नेक्स्ट, एक पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर करूंगी और उसमें बताऊंगी कि ये एक्टिविटीज कौन कौन सी होती है और इन एक्टिविटीज को हमें कैसे सेलिब्रेट करना चाहिए। तो कुछ पिक्चर्स एंड इमेजेस मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो गाइज, दीज आर द पीडीएफ जो मैं देती भी हूँ कोर्स में अलग से। इसमें देखिए, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कौन कौन सी होती है। तो ये कुछ टाइमिंग है, कितने टाइम तक आपको स्कूल रखना है, तो ये सब पीडीएफ मैं प्रोवाइड कराती हूँ, आपको इंटरेस्टेड हो तो बाय कर सकते हैं। बाय ऑप्शन के लिए नीचे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे पूछ सकते हैं। देखिए, ये एक्टिविटी लिस्ट है सारी कि आपको ड्राइंग कंपटीशन, रैंप वॉक कंपटीशन, डांस कंपटीशन, राइमिंग, स्पोर्ट्स डे, एनुअल डे, माइक कंपटीशन, तो ये सारी एक्टिविटीज होती हैं जो हमें प्ले स्कूल में करानी चाहिए। ठीक है गाइज, तो गाइज दीज आर द एक्टिविटीज लिस्ट और मैं कई एक्टिविटीज को तो डिटेल में बता चुकी हूँ आपको। तो प्लेलिस्ट अब बनी हुई है उस पर कि हाउ टू सेलिब्रेट एक्टिविटीज इन स्कूल, तो उसका लिंक मैं वेरी फर्स्ट कमेंट में दे दूंगी। तो ये ड्राइंग कॉम्पिटिशन है, रैंप वॉक है, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, डांस कॉम्पिटिशन है, तो इसको टाइम टू टाइम आपको रखना है, इनका कोई फिक्स डे नहीं होता। कोई लोग मुझे पूछते हैं कि मैम इन एक्टिविटीज को कौन से डेज या मंथ में हम रखें, तो दीज आर नॉट फिक्स डेज, क्योंकि आप कभी भी रख सकते हो। हाँ, फेस्टिवल्स जो होते हैं, मैं इस पर एक वीडियो ला चुकी हूँ कौन कौन से है, उसका लिंक भी दे दूंगी। तो फेस्टिवल्स की जैसे होता है स्पेसिफिक डेट होती है, तो आपको एक
या 2 दिन पहले सेलिब्रेट करना है, और मैंने बहुत इंटरेस्टिंग वे से भी आपको बताया। तो ये एक्टिविटी लिस्ट है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या पीडीएफ मुझसे बाय कर सकते हो। लाइक बैलून डे है, माइक कॉम्पिटिशन है, एनी कलर्स डे है, तो किसी एक्टिविटी पे आप वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो गाइज, आपने देखा कि इस पीडीएफ में आपको बहुत सारी एक्टिविटीज मिल गई कि कैसे आपको करानी है। तो आइए जानते हैं कि कौन सी एक्टिविटीज आपको मंथली करानी है और कौन सी एक्टिविटी आपको वीकली करानी है। सो आपके साथ मैं एक टाइम टेबल क्विक शेयर करूंगी। वैसे इस टाइम टेबल को मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इस वीडियो में आपको दोबारा बताना चाहूंगी। तो गाइज, ये चारों ही क्लासेस का टाइम टेबल है। प्ले ग्रुप नर्सरी का एक रहेगा और एलकेजी यूकेजी का एक रहेगा। तो वन बाय वन करके थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइज, वैसे मैं ये डिटेल वीडियो पर भी ला चुकी हूँ टाइम टेबल्स के ऊपर, तो उसका लिंक मैं कहूंगी वेरी फर्स्ट कमेंट में आपको दे दूंगी, उस थोड़ा और डिटेल में देख लेना। बाकी मंडे से लेकर सैटरडे तक का ही टाइम टेबल है, और कई लोग बोलते हैं सैटरडे ऑफ है तो फिर आप उस दिन फ्राइडे तक अपना स्कूल रख लीजिए। और साथ में है कि आपको कब प्रेयर रखनी है, कब सब्जेक्ट्स रखने हैं, कब लंच रखना है, प्ले है, कौन से दिन कौन सी एक्टिविटीज कराएं, और इनको डेली बेसिस पे कराएं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपको मंथली करानी है टाइम टू टाइम, लेकिन ये आपको डेली करवानी है। लाइक डेली आपको डांस है, जैसे मंडे को देख सकते हैं डांस है, आर्ट एंड क्राफ्ट है, योगा है, मोरल स्टोरीज हैं, स्पोर्ट्स हैं। लाइक ये एक्टिविटीज आपको डेली बेसिस पे कराने, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आप प्लीज अपने स्कूल में रखना, तभी एडमिशन ग्रोथ होती है, क्योंकि पेरेंट्स आर वांटिंग कि उनके स्कूल्स में डेली बेसिस पे एक्टिविटीज हो, ना कि ईयरली या फिर कुछ महीनों में। तो डेली बेसिस पे आपको ये रखना पड़ेगा। तो ये है टाइम टेबल, और बाकी जो है दूसरी क्लास का भी मैं दिखा देती हूँ अभी आपको। तो ये दोनों ही क्लासेस में आपका सेम ही टाइम टेबल है, लेकिन जैसे नर्सरी में पैटर्न होता है और एलकेजी यूकेजी में पैटर्न नहीं होता, हिंदी आ जाती है। तो बस यही थोड़ा सा चेंज है। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये एलकेजी एंड यूकेजी का टाइम टेबल है, इसमें आपकी हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश, ड्रॉइंग, ईवीएस एंड जीके ये आ सकती है। तो इसको डिटेल टाइम टेबल को डिस्कशन मैंने एक वीडियो में कर चुकी हूँ, तो उसका लिंक भी वेरी फर्स्ट कमेंट में दे दूंगी, ठीक है। तो बाय चांस मैं किसी वीडियो का लिंक नहीं दे पाऊँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी आपको। सो ये है एक बेस्ट टाइम टेबल। कितना अच्छा टाइम टेबल है, और अगर आप इस टाइम टेबल को फॉलो करेंगे तो जरूर आपके स्कूल में एडमिशन ग्रोथ होगी। नेक्स्ट मैं इंपॉर्टेंट आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जब भी इस तरह की एक्टिविटीज आप सेलिब्रेट करेंगे, कोई भी आपका स्कूल का व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक है, कोई भी सोशल मीडिया पेजेस है, वहां पर शेयर कीजिए, और फिर देखिए आपके स्कूल में कितनी इंप्रूवमेंट होती है। तो व्हाट्सएप, फेसबुक, कैसे एडवर्टाइजमेंट करना है, तो मैं हाउ टू एडवर्टाइजमेंट आपके साथ शेयर कर चुकी हूं कि अपने काम को कैसे करेंगे। पार्ट वन, पार्ट टू अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक वेरी फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, तो आप उसको देख लेना। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। तो अगर ये आप तरीके अपने स्कूल में अपनाएंगे तो जरूर आपके स्कूल में एडमिशन ग्रोथ होगी। काफी लोग कहते हैं कि हमारे स्कूल में मैम एडमिशन नहीं आ रहे हैं, पेरेंट जस्ट बात करके आ रहे हैं और मतलब एडमिशन कराने में इंटरेस्टेड नहीं हो रहे। तो गाइस, आपको भी तो मेहनत करनी पड़ेगी, आपको भी एक्टिविटीज उनको करानी होगी, तभी तो आपके स्कूल में ग्रोथ होगी। तो आप भी क्वालिटी दीजिए, फिर एक्सपेक्ट कीजिए कि आपके स्कूल में एडमिशंस हो, ठीक है। तो गाइस, मैंने आपके साथ पीडीएफ शेयर कर दी है, आपके साथ एक टाइम टेबल शेयर कर दिया है। अब मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि इन एक्टिविटीज को आपको कहाँ कराना चाहिए। तो देखिए, जो लोग मुझसे कोर्स करते हैं तो उनको डिटेल में मैं इस चीज को बताती हूँ कि आपको ये अलग से अगर रूम हो पाए तो आप उसमें ये एक्टिविटीज कराइए। लाइक हॉल हो आपका, लाइक हॉल अगर हो तो बिल्कुल बेस्ट है, अदरवाइज आप एक रूम भी यूज कर सकते हैं। तो इस रूम को आपको बहुत ही अट्रैक्टिव रखना है, और क्योंकि इसमें एक्टिविटीज होनी है, तो इसकी वॉल डिजाइन की मैं अगर बात करूं तो कोई थीम अगर आप ले सकते हो। इस रूम में आपको डेकोर कैसे करना है, तो सबसे पहले इस रूम में आपको एक स्टेज लगाना है। स्टेज क्यों? ताकि बच्चे उसे परफॉर्म करेंगे, क्योंकि ये एक्टिविटी रूम है। लाइक कोई आपका माइक कॉम्पिटिशन है, रैम वॉक एक्टिविटी है, फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन है, तो इस तरह के जो कॉम्पिटिशन होते हैं आप स्टेज पे रखोगे। अगर कोई कर्टेन वगैरह का भी लग जाए तो बहुत ही सुंदर लगता है, एक प्रेजेंट टेबल लगता है अगर बच्चा करता है। और अगर आपका हॉल में काफी जगह है तो आप पेरेंट्स को भी इस तरह की एक्टिविटीज में बुला सकते हैं स्कूल में। जैसे कोई एनुअल फंक्शन आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, या फिर आप कोई दिवाली फंक्शन कर रहे हैं, तो कुछ ही फंक्शन में आप पेरेंट्स को बुला सकते हैं। तो मैंने एक वीडियो भी बनाई है कि पेरेंट्स को इस तरह की एक्टिविटीज में बुलाने का क्या फायदा रहता है,
क्यों हमें इस तरीके से बुलाना चाहिए, तो उस वीडियो को मैं वेरी फर्स्ट कमेंट में लिंक दे दूंगी, जिन्होंने नहीं देखी है आप वहां पे देख लेना। सो, इस तरीके से आप एक हॉल की तरह इसको लुक दे सकते हैं और फिर इस तरह की एक्टिविटीज कराइए, बहुत ही अच्छा लगता है। लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि क्या इन एक्टिविटीज कराने से हमारे स्कूल में ग्रोथ होता है, क्यों हमें ये एक्टिविटीज करानी चाहिए, क्या वाकई ये एक्टिविटीज काम करती है। तो जी हाँ, बिल्कुल 101% ये एक्टिविटीज कराने से आपके स्कूल में एडमिशन ग्रोथ होते हैं गाइस। तो ये मेरा बिल्कुल एक्सपीरियंस के तौर पे मैं कह रही हूँ, और जिनको मैं खुलवा चुकी हूँ उनका भी फीडबैक यही आता है कि मैम हमने इस तरह की एक्टिविटीज करवाई, बहुत सारे एडमिशन्स हमारे हो रहे हैं। तो गाइस देखिए, पेरेंट्स आर वांटिंग कि इस तरह की एक्टिविटीज अपने स्कूल में कराइए। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि आप कई बड़े बड़े स्कूल्स में देखेंगे कि ये एक्टिविटीज ही ज्यादा करवाते हैं, और उनकी जो फीस में बात करूँ, डोनेशंस की बात करूँ, तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन बहुत ज्यादा होती है। तो पेरेंट्स भागते हैं ऐसे स्कूलों में कि उनके बच्चे को इस तरह की एक्टिविटीज मिले, स्टेज मिले। तो अगर कम फीस पर आप ये फैसिलिटीज उनको दे पाओ तो आपके स्कूल में क्यों नहीं एडमिशन्स होंगे। मैंने ये देखा है कि कई जो प्ले स्कूल्स होते हैं, जो छोटे लेवल पे खुले होते हैं, वो इस चीज को गौर ही नहीं करते। वो बस ये देखते हैं कि भाई छोटा हमने थोड़ा बहुत ओरल करा दिया, रिटर्न करा दिया, कभी कभार महीने, दो महीने, चार महीने, इवन साल में एक बार हमने कोई ऐसे फंक्शन रख दिया तो जी हमारे एडमिशन हो जाएंगे। जी नहीं, आपको ऐसे ही इस चीज को फॉलो करना पड़ेगा जैसे मैंने बताया है। मीन्स क्वालिटी दोगे देन एक्सपेक्ट करोगे। आपका कॉम्पिटिशन जो है, मैं ये कहूंगी कि आपके आसपास वालों से नहीं, आप अपना कॉम्पिटिशन, अगर आपको रखना है कॉम्पिटिशन तो ये देखिए कि आपके आसपास जो बड़े बड़े स्कूल्स हैं वो क्या एक्टिविटीज करवाते हैं। देखो ये वो यही एक्टिविटीज करवाते हैं, मेन यही बात है कि वहां पर जो है जगह उनकी बहुत अच्छी होती है, खुली होती है, ताकि फंक्शंस के लिए वो अलग अलग ऑडिटोरियम भी बुक करते हैं। तो भाई वो बुक कर भी सकते हैं बिकॉज वो लाखों में फीस लेते हैं, लेकिन अगर आप अपने स्कूल में हॉल में इस तरह की चीज करवा सकते हैं, या फिर इन एक्टिविटीज को कराने के लिए आप कोई ओपन प्लेस भी यूज कर सकते हैं, लाइक पार्क यूज कर सकते हैं, या कोई नियर बाय कोई आपकी कोई सभा है, कोई हॉल है जो रेंटेड मिल जाता है, जिसका रेंट इतना नहीं है, तो आप थोड़ा सा बच्चों से कॉन्ट्री करवा के भी उस रूम को यूज कर सकते हैं। तो देखिए गाइस, हमने क्या किया, एक्टिविटीज भी करवाई है, डेली बेसिस पे भी करवा रहे हैं, और टाइम टू टाइम बड़े बड़े जो हॉल्स हैं उनको भी यूज कर रहे हैं इस तरह के फंक्शंस को सेलिब्रेट करने के लिए। तो भाई क्यों नहीं एडमिशंस होंगे, आपके स्कूल में बहुत सारी एडमिशन ग्रोथ होगी, क्योंकि आप अपने स्कूल में बच्चों को स्पीकिंग का मौका दे रहे हो, बच्चों को डांसिंग का दे रहे हो, स्टेज बच्चों का फियर हटा रहे हो, स्टेज कॉन्फिडेंस दे रहे हो, और बच्चों की स्पीकिंग में उनकी बच्चों की स्पीकिंग एनहेंस होती है इस तरीके से। तो बहुत सारी चीजें आपके स्कूल्स में हो रही हैं, तो पेरेंट्स भी ऐसे स्कूल को सर्च कर रहा होता है, और आपका डर भी इस चीज से निकल जाता है। चाहे आपके आसपास कितने क्यों ना स्कूल खुले हो, तो भी आपको डरने वाली कोई बात नहीं है। आपके आसपास कोई रिनाउंड स्कूल है जो बड़े लेवल पे खुला हुआ है, तो गाइज उससे भी घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि आप जो है फीस कम पे आपको वैसी ही क्वालिटी देने की कोशिश कर रहे हो, वैसी क्वालिटी दे रहे हो, तो आपके स्कूल में पेरेंट बिल्कुल आएगा कि भाई उस स्कूल में तो हमें बहुत सारी फीस देनी पड़ती है और कम फीस में हमें ये सब एक्टिविटीज आपके स्कूल में मिल रही है, तो क्यों नहीं आपके स्कूल में एडमिशंस होंगे। सो, आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, और अगर हेल्पफुल है तो प्लीज लाइक कर देना, और अगर न्यू है सब्सक्राइब कर देना, एंड कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर देना। आपका एक फीडबैक होता है और मुझे बहुत सारी मोटिवेशन मिलती है।